नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। एक बड़ी खबर मधुबनी जिले के झंझारपुर से आ रही है, जहां NH-57 पर पिपरौलिया के निकट बीते गुरुवार की देर रात भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 2 गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिसकी भी हालत नाजुक बनी हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे DMCH रेफर कर दिया गया है। घटना बीते गुरुवार देर रात 8 बजे के आसपास की बताई जा रही है। एक ट्रक और ऑटो की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि झंझारपुर की तरफ से एक ऑटो आ रही थी, सामने से रॉन्ग साइड में फुलपरास की तरफ से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दिया। ट्रक से ठोकर लगते ही ऑटो वाहन के परखच्चे उड़ गए। ऑटो में सवार चालक सहित कुल 6 लोग ऑटो सहित ट्रक के चपेट में आ गए, जिसके चलते सहित 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अन्य 2 गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से रोड एम्बुलेंस में लादकर उपचार के लिए अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया। दोनों घायलों की नाजुक स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे DMCH रेफर कर दिया। मृतकों में एक झंझारपुर रामचौक की निवासी जगन्नाथ साह की पत्नी गुड़िया देवी हैं, जो चूड़ी बेचने का काम करती थी। इसके अलावा ऑटो में सवार अन्य लोग बाबूरही थाना क्षेत्र के खोइर मिश्रौलिया के थे, जिनमें ऑटो चालक उदय महतो, रामदुलार यादव की पत्नी कुसुम कुमारी की मौत हो गई। वहीं भगवान प्रसाद यादव की पत्नी सावित्री देवी और लक्ष्मी मुखिया की पत्नी मुन्नी देवी गंभीर रूप से जख्मी है। जानकारी के अनुसार ये सभी लोग झंझारपुर स्थित किसी लोन फाइनेंस कंपनी में लोन के सिलसिले में आए थे और देर शाम को वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी भीषण सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। इधर घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय अररिया संग्राम OP झंझारपुर नगर थाना सहित 4 थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। सभी घायलों को उपचार के लिए अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। सभी मृतकों के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश कुमार चौधरी, DSP आशीष आनंद दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इस सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत होने की अनुमंडल प्रशासन ने पुष्टि की है। झंझारपुर से हरिशंकर प्रसाद की रिपोर्ट। फिर से बोल रहा हूँ जी सर, आज शाम में लगभग 7:30 बजे NH-57 पिपरौलिया के पास एक ट्रक और टेम्पो की टक्कर हो गई थी। इसमें 6 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, जिसमें 4 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। सभी को अनुमंडल अस्पताल लाया गया था। तो 2 महिलाएं और 2 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 पुरुष यहां मृत पाई गई और बाकी 2 महिलाओं को बेहतर इलाज के लिए DMCH रेफर कर दिया गया है। उनकी स्थिति अपेक्षाकृत सुरक्षित चिकित्सकों ने बताई है। उन्हें DMCH दरभंगा भेज दिया गया है। बाकी 4 2 महिला और 2 पुरुष यहाँ आ गए हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले सहित आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आप तक हर छोटी बड़ी खबरों को पहुंचाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Facebook पर चौथा स्तंभ डिजिटल पेज को फॉलो करें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे न्यूज वेबसाइट www.4thastambhdigital.com पर जाएं।